और ले सारी कसर काढ़ बेटी और तेरा दोष नहीं हर नंदी मेरा टोटा रहा ताज बेटी मेरा टोटा रहा ताज बेटी कुछ कह लीजिए बाकी रहेगी सारी कसर ताज बेटी तेरा दोष नहीं हर नंदी मेरा टोटा रहा ताज बेटी मेरा टोटा रहा ताज बेटी साथ में लेकर के क्यों आया? मेरा इतना बड़ा कुटुंब परिवार, अगर तू उस कुटुंब परिवार को लेकर के आता तो वो आज मेरा भात भर जाते। यूं कहने लगा, जब सरदारों कुटुंब परिवार की बात आई, नरसिंह जी की आंखों से आंसू निकल पड़े और क्या कहा रो करके, क्या कहने लगे नरसिंह जी, क्या कहने लगे? घाव की मालूम, घाव की मालूम उसे ही रहे जिसके लग चुकी दवाई हो, जिसे के लग चुकी दवाई। अरे तू आता मैं हर नंदी जो होता तेरा भाई, थोड़ी देर अरे थोड़ी देर तेरी थोड़ी देर और रुक लल दे फिर तुंगा नहीं दिखाई हो, जब
मेरा कुटुंब परिवार भी नाट गया मेरे पिताश्री, तो फिर तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। सरदार यूं कहने लगा कि बेटी मेरी तो आने की सलाह नहीं थी, पर एक बात मेरे से गुजर गई और वो क्या गुजरी क्या अपनी बेटी से। कर दिया है बात का। और सरदारों, हे मेरे विद्वान श्रोताओं, हे मेरे भाइयों, बात अच्छी लगे तो गुरु जयकरण जी के लिए ताली बजा देना। क्या लिखा? लिखा सिर सागर में जात बिगड़ जा, बात पिछानी को ना। यूं कह गया, बन जाएगा हेरी, बन जाएगा हेरी, बन जाएगा सो दे जाऊंगा तेरी रोटी खानी को ना हो। सरदारों, जब इतने पे भी नहीं मानी तो अंत कर दिया नरसिंह ने और कहा कि बेटी सुन ले, आखिरकार तो रिश्तेदार हूँ और रिश्तेदार चाहे कंगाल हो चाहे पैसे वाला हो, इज्जत बराबर होती है। क्या कहने लगा भला सरदार? तेरी ने सत्संगी बातों से मेरा भात नहीं बढ़ने का, तो नरसिंह जी ने लास्ट की कली में ये बात लिखी कि अगर तुझे धनी चाहिए तो धन तो मेरे पास नहीं, एक चीज है वह भी कर ले। क्या कहे? ये कहे जय करण धन कोना, ये कहे जय करण धन कोना, मेरे बेसक बेचहाड़ बेटी तेरा दोष नहीं हरना।